नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाबराज किचन। फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम दिवाली स्पेशल एक रेसिपी लेके आए हैं, उसका नाम है लहसुन सेव। तो इसे हम बिल्कुल इजी स्टेप में बनाएंगे और सिंपल तरीके से बनाएंगे। और लास्ट टाइम भी मैंने मेरे चैनल पे प्लेन वाले सेव की रेसिपी अपलोड की थी और इसे हम थोड़ा सा लहसुन का ट्विस्ट दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें लहसुन शो बनाने के लिए सामग्री चाहिए। यहाँ पे हमने बेसन लिया है 2 कप, पानी लिया है 1 कप, यहाँ पे हमने लहसुन की पेस्ट ली है 2 चम्मच, पिंच ऑफ हींग लिया है, स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पे लाल मिर्च लिया है 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच और फ्राइंग के लिए ऑयल। सबसे पहले हम सेव के लिए एक डो बना लेते हैं और साथ ही हमने वहाँ पे गैस पे तेल गरम करने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम डाल देंगे बेसन। अब इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये तेल गरम है इसलिए हम थोड़ा सावधानी से इसे मिक्स करेंगे। तो हम सबसे पहले इसे हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन पेस्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है और लहसुन की भी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। याद रहे कि हमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो फिर पतला हो सकता है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है हमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इस तरह से बैटर चाहिए, ज़्यादा ना पतला और ना ज़्यादा सख्त, ये परफेक्ट बना है। और हमने यहाँ पे 2 कप बेसन के लिए सिर्फ हमने यहाँ पे 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, लगभग 1/2 चम्मच। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डो सॉफ्ट बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमने यहाँ पे अच्छे से गूंद लिया है इसे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से करना है, यहाँ पे 2 बार हो सकता है मोल के अंदर। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सेव के मोल को तेल से ग्रीस किया है, अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप जिस साइज में सेव बनाना चाहते हैं उस साइज का आप मोल यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बारीक वाला सेव का मोल्ड यूज किया है। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर डो डाल देते इस तरह से। और इसके ऊपर अब हम ये ढक्कन लगा लेते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सेव को फ्राई करने के लिए तेल पहले ही गरम कर लिया था। तो देखते हैं अभी तेल अच्छे से गरम हुआ है क्या, तो थोड़ा हम चेक करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, बैटर ऊपर आ गया है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अभी गैस की फ्लेम लो रखी है, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर सेव छोड़ देते इस तरह से। फ्रेंड्स, इसे हमें तुरंत नहीं पलटना है,
थोड़ा सा अच्छे से फ्राई होना चाहिए एक साइड से, फिर हम फ्लिप करेंगे इसे। तो यहाँ पे अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं और दूसरी साइड से भी अच्छे से हम फ्राई करके लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और गोल्डन ब्राउन भी हो चुके हैं और कलर भी थोड़ा हल्का सा चेंज हो चुका है और क्रिस्पी तो बहुत ही ज़्यादा हुई है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। वाओ, बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो फ्रेंड्स हम सेम प्रोसेस से बाकी की सेव भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सेम प्रोसेस से अच्छे से फ्राई करके लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सेव अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। वाओ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने प्लेटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है सेव हमारी। और हमने यहाँ पे बहुत इजी तरीके से सेव बना लिए, सिंपल तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आती है टेस्ट की बारी, तो मैं आपको सबसे पहले सेव थोड़ा तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए आवाज़ इसका, ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है सेव। तो अभी हम टेस्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और लहसुन का तो एकदम फ्लेवर आता है, बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स इस दिवाली पे आप ये लहसुन की सेव घर पे जरूर ट्राई करें और आपके कमेंट नीचे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।